गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आपकी थर्ड क्लास में इंग्लिश में लेसन नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया है। तो आज हम लेसन नंबर 4 द मंकी एंड द एलिफेंट को रीड करेंगे। हमारे लेसन का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ आवर लेसन? द मंकी एंड द एलिफेंट। फिर से देखिए, द मंकी एंड द एलिफेंट। मंकी मीन बंदर और एलिफेंट मीन हाथी, दोनों आपने देखे हुए हैं ना। तो अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्री रीडिंग। लेसन को रीड करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में और जान लेते हैं। आपके सामने है, लुक एट द पिक्चर एंड स्पोर्ट द एनिमल्स। आपने ये पिक्चर देखी, देखो अपनी पिक्चर को देखना है और जितने भी एनिमल्स हैं उस पर आपने सर्कल लगाना है एंड ज्वाइन देम विद देयर नेम गिवन बिलो। आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। नीचे यहाँ पर इनके नेम दे रखे हैं, उसके साथ आपने एक तरीके से मैचिंग कर देनी है। ठीक, तो पहले आप पिक्चर को ध्यान से देखिए और जो जो एनिमल आपको दिखाई दे रहे हैं उनके आप नाम बताइए। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। देखिए ये कौन है, आप जानते हैं नहीं थे? वेरी गुड। ये कौन है? एलिफेंट। एलिफेंट मीन हाथी, ये आपने देखा हुआ है ना। और ये कौन है? ये है हॉर्स। हॉर्स मीन घोड़ा। और ये कौन दिखाई दे रहा है आपको? जिराफ, ये भी आपने देखा हुआ है। इसकी नेक देखो कितनी लॉन्ग होती है ना, लॉन्ग। और एलिफेंट की नोज देखिए, ये कितनी लॉन्ग है। एलिफेंट की नोज क्या कहलाती है? ट्रम्पेट। क्या कहलाती है? ट्रम्पेट। और इसके बाद ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये है बियर, भालू। भालू दिखाई दे रहा है ना आपको, इसको हम क्या बोलते हैं? बियर बोलते हैं। और ये कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये तो है मंकी। ये तो आपके अपने घर के आसपास भी आपको दिखाई देता होगा, आता है ना कई बार ये। और ये कैसा होता है? बहुत ही नॉटी होता है। कैसा होता है? नॉटी। नॉटी मीन शरारती। ठीक, और उसके बाद ये कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये है डियर। डियर हिरण होता है और ये बहुत तेज दौड़ता है, बहुत ही फुर्ती से। इसकी जो स्पीड होती है ना बहुत ही फास्ट होती है। ठीक, और उसके बाद ये कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये है डंकी। कौन है ये? डंकी, गधा। ठीक, और ये आपको छोटा सा कौन दिखाई दे रहा है? ये है रैबिट। रैबिट दिख रहा है ना ये आपको, और इसको क्या बोलते हैं हम? खरगोश बोलते हैं। ठीक, और ये महाराज कौन है? ये तो सारे जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लायन। क्या बोलते हैं? लायन। और लायन मीन क्या होता है? शेर होता है। और ये शेर कौन होता है? जंगल का राजा। तो आपसे पूछा जाए हु इज द किंग ऑफ जंगल, तो आप क्या बताएंगे? आप बोलेंगे लायन। ठीक है, और ये आपको कौन दिखाई दे रहा है? ये देखिए ट्री की साइड में पीछे छुपा हुआ, ये कौन? ये बफलो सी लग रही है, भैंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? भैंस बोलते हैं, बफलो। ठीक, तो आपको सारे एनिमल दिखाई देगा। अब काउंट करना कितने एनिमल्स हैं ये, हाउ मेनी एनिमल्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 एनिमल्स दिखाई दिए ना आपको यहाँ पर। फिर से इसको करें, बफलो, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ, मंकी, बियर, डियर, डंकी, रैबिट एंड लायन। ये आपको सारे दिख गए। और ये सारे कहाँ रहते हैं? ये जंगल में रहते हैं। ठीक, उसके बाद अब इनके नाम दे रखे हैं आपके सामने। ये क्या लिखा हुआ है? जिराफ। तो आप क्या करेंगे, जिराफ के साथ या तो यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए और या इसके साथ इसकी मैचिंग कर दीजिए ऐसे। तो जैसे ये जिराफ है ना, इसके साथ ऐसे इसकी मैचिंग कर देंगे। ठीक, और अगला क्या दे रखा है? एलिफेंट। एलिफेंट कहाँ पर है? अब यहाँ से इसको एलिफेंट के पास ले जाइए, ये एलिफेंट ऐसे। ठीक, और उसके बाद आगे कौन है? ये है डंकी। डंकी कहाँ देखा था हमने? ये रहा डंकी। तो मैं इसको इसके साथ मैच कर देती हूँ। ठीक, और आगे ये कौन है? लायन। लायन तो आपने देखा है यहाँ पर, लायन को भी इसके साथ हम मैच कर देते हैं ऐसे। और आगे कौन है? मंकी।
नॉटी मंकी कहाँ बैठा है? ये रहा नॉटी मंकी। मैं इसके साथ ऐसे इसको मैचिंग कर देती हूँ। और ये डियर, क्या लिखा हुआ है? ये डियर आपको दिखाई दे रहा है ना, हिरन यहाँ पर। आप इसको भी इसको ऐसे मैचिंग कर दीजिए। ये आपकी यहाँ पर मैचिंग हो गई, ठीक। ये हमारी हो गई मैचिंग। अब आपको सारे एनिमल्स पता लग गए, उनके नेम पता लग गए, ये आपको करना आ गया होगा। उसके बाद बच्चों आपसे है ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच एनिमल इज द बिगेस्ट? बिगेस्ट मीन क्या होता है? सबसे बड़ा। विच एनिमल इज द बिगेस्ट? कौन सा जानवर सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा है? तो बताइए, इसमें आपने इतने सारे एनिमल देखे, कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? किसकी बॉडी आपको बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है? वो कौन है? एलिफेंट। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? एलिफेंट। आपसे पूछा जाए विच एनिमल इज द बिगेस्ट, तो आप क्या बताएंगे? एलिफेंट, ठीक है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विच एनिमल इज द नॉटिएस्ट? नॉटिएस्ट क्या होता है? सबसे ज्यादा शरारती। इस जितने भी एनिमल्स हैं इन सब में सबसे ज्यादा आपको नोटी कौन सा एनिमल लगता है जो सबसे ज्यादा शरारती करता है? वो कौन सा होता है? वो होता है ये बैठा यहाँ पर। अभी मैंने बताया था ना ये कौन है? मंकी। तो विच एनिमल इज द नॉटिएस्ट, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मंकी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डू यू थिंक दैट एन एलिफेंट एंड अ मंकी कैन बी फ्रेंड? क्या आप सोचते हैं कि एलिफेंट जो होता है हाथी और मंकी बंदर, ये दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं? वाई ऑब्लिक वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? अगर बन सकते हैं तो क्यों, और नहीं बन सकते तो क्यों नहीं बन सकते? आपने ये बताना है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों जो एनिमल हैं वो फ्रेंड बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे आपको बता रही हूँ, तो आप ऐसे लिखेंगे यस आई थिंक दैट एन एलिफेंट एंड अ मंकी कैन बी फ्रेंड। बिकॉज जब भी क्वेश्चन कोई भी वाई से होता है तो हम आंसर किससे देते हैं? बिकॉज से। बिकॉज दे बोथ आर हर्बीवर्स। हर्बीवर्स क्या होता है? ऐसे एनिमल जो केवल घास फूस खाते हैं। एंड डोंट ईट ईच अदर, और ये दोनों अपने आप को नहीं खाते, एक दूसरे को नहीं खा सकते। तो एनिमल ये जो है ये शिकार नहीं करते, तो ये क्या कहलाते हैं? हर्बीवॉर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हर्बीवॉर्स कहलाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? यस आई थिंक दैट एन एलिफेंट एंड अ मंकी कैन बी फ्रेंड्स बिकॉज दे बोथ आर हर्बीवॉर्स एंड डोंट ईट ईच अदर। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में इसमें जितने भी एनिमल थे उसके बारे में जाना, उनके नेम के बारे में, और कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछे। तो अभी आप इस वीडियो में इनको अच्छी तरह से फिर से समझिए। अगली वीडियो में मैं आपको इसका आगे जो लेसन है वो आपको रीड कराऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।